ये शरारती बच्चे अपने नए टीचर को सताने के लिए एक जाल बिछाते हैं, लेकिन इन बच्चों का नया टीचर काफी समझदार निकलता है। ये अपने सिर पर एक छोटा सा छाता पहनकर क्लास में आता है, जिसे बाल्टी में भरा आटा क्लास में आगे बैठी लड़कियों पर ही गिर जाता है। अब टीचर से बदला लेने के लिए बच्चे उसके पीछे कागज के पटाखे फोड़ देते हैं, जिससे इनका टीचर डरकर उछल पड़ता है। अब इन सबसे क्लास के अंदर टीचर और बच्चों के बीच हार जीत का एक कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। कुछ देर बाद एक लड़की टीचर को बड़े प्यार से बोलकर पंखा चलाने को कहती है, लेकिन चालाक टीचर पंखा चलाने से पहले अपने हाथों में इंसुलेटेड दस्ताने पहन लेता है। अब टीचर खुद को करंट लगने से तो बचा लेता है, परंतु ये टीचर बिना देखे ही ग्लू इस स्टूल पर बैठ जाता है, जिस कारण इसकी पैंट स्टूल पर चिपक जाती है। क्लास के बच्चे टीचर पर हंस ही रहे होते हैं कि तभी इनका टीचर इनके सामने ही अपनी पैंट उतारने लगता है, जिससे सामने बैठे क्लास की लड़कियां डर जाती है। वास्तव में ये टीचर क्लास में पहले से ही दो पैंट पहनकर आया होता है। इन सब के बाद टीचर जैसे ही चौक लेने के लिए ड्रॉ में हाथ डालता है, इसके हाथ में चौक की जगह एक नकली चूहा आ जाता है। अब डरा हुआ टीचर उस नकली चूहे को एक लड़की के ऊपर फेंक देता है। क्लास के सभी बच्चे अपनी जीत की खुशी मना ही रहे थे कि टीचर ड्रॉ से एक और नकली चूहा बाहर निकालता है। इसका मतलब जो पहले वाला चूहा टीचर ने उस लड़की पर फेंका था वो एक असली चूहा होता है।